रुचि चिंतन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरेवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा टॉपिक है आत्मचिंतन के क्षण। श्रद्धा क्षणिक भावुकता या आवेश का हम नहीं है, वरन यह साधना की कठिनाइयों को झेलने की कसौटी है। आवेश पूर्ण श्रद्धा से जीवन में कोई विशेष लाभ नहीं होता, किंतु जो लोग दृढ़ता पूर्वक साधन की कठिनाइयों को सहन करते रहते हैं, उनकी श्रद्धा और भी तेजस्वी बनती है और मन भी तथा इंद्रियों पर संयम करना आसान हो जाता है। भोगवादी व्यक्ति जिस तरह भोग की लालसा में अनुचित उचित का विचार नहीं करता और उसी में सुख का अनुभव करता है, उस तरह सदाचारी व्यक्ति भी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता है। अपनी प्रसन्नता का निश्चय श्रद्धा द्वारा ही होता है, क्योंकि अपनी यथार्थ शक्ति और सामर्थ्य का बोध श्रद्धा द्वारा ही होता है। भले ही उन अभूतपूर्व परिणामों की तत्काल उपलब्धि न हो, किंतु श्रद्धा के साथ जो आशा का अविचल संबंध है, उससे मनोभूमि की निराशा तथा दुखों की अंत हो जाता है। ऊपर से देखने में दूसरे लोग भले ही यह अनुमान करें कि उसका जीवन शुष्क रसहीन, किंतु उसके अंतर में जो आनंद का स्रोत उमड़ता है, उसे दूसरा समझ नहीं पाता। पर व्यक्ति अपने आंतरिक आनंद की स्थिति से ही अपने चारों ओर प्रसन्नता का अनुभव कर लेता है। मनुष्य को परमात्मा ने एक स्वतंत्र बुद्धि वाला चेतन प्राणी बनाया है। उससे हाथ पांव काम करने के लिए और विवेक काम के औचित्य अनौचित्य समझने के लिए दिया है। उसकी इच्छा है कि मनुष्य अधिक से अधिक परिश्रमी, कर्मठ और धैर्यवान बने। इसलिए उसके सभी काम निर्विघ्नता पूर्वक नहीं होते चलते। यदि सारे काम बिना बाधा से सहज रूप में होते चले तो कर्म कौशल का महत्व ही समाप्त हो जाए। मेरा विश्वास है कि जिस काम को करने में मनुष्य को बाधाएं नहीं आती, उसे अपने कार्य कुशलता का परिचय देने का अवसर नहीं रहता, वह काम मनुष्य के करने योग्य होता ही नहीं।